हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाए। आइए, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बिल्कुल एसएससी सीजीएल जो वैकेंसी अनाउंस मतलब डेट अनाउंस किया गया था 24 जून को एसएससी सीजीएल की जो वैकेंसी आएगी, फाइनली वो वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ, आपसे कुछ देर पहले इसको अपडेट किया गया, आप देख सकते हैं 24 जनवरी 2024 को एक बहुत ही धमाकेदार वैकेंसी है, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी अच्छी आई है इस बार फिर से। जैसे कि अभी टोटल कितने पोस्ट किस किस डिपार्टमेंट किस किस सेक्शन में, ओवरऑल अगर पोस्ट की बात करें तो लगभग 18,000 के आसपास पोस्ट, मतलब सीजीएल के लिहाज से, मतलब अगर देखा जाए ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम के हिसाब से, तो ये अच्छी वैकेंसी मतलब धमाकेदार वैकेंसी कही जा सकती है। अब देखना इसमें सबसे ज़्यादा ये है कि इसमें क्या पोस्टल असिस्टेंट के कितने पोस्ट होंगे और बाकी कितने जो एक्चुअल सीजीएल के पोस्ट है उनको देखना है। लेकिन चलिए, एक बहुत अच्छी खबर आ चुकी है, चलिए आपको सीधे नोटिस की तरफ हम ले चलते हैं और यहाँ से आप देख पाएंगे कि ये पूरा वैकेंसी आपको आज से यानी 24/6 से लेके 24/7 तक आपको ये पूरा फॉर्म इसका फिल करना है। और टेंटेटिव जो इनका एग्ज़ाम टीयर वन का, वो सितंबर से अक्टूबर 2024 के बीच है, यानी कि आपका अभी जून खत्म हो गया, जुलाई अगस्त यानी लगभग 2 महीने आपके पास है पक्के पक्के, और उसके बाद सितंबर यानी जुलाई अगस्त और फिर सितंबर में किसी भी समय किसी भी वक्त जो है कि एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और इसमें ये सारे पोस्ट एज यूजुअल जो होते हैं सीजीएल पोस्ट में, वो सारा पोस्ट यहाँ पर ऑलरेडी सभी पोस्ट मेंशन है। अब इसमें देखना ये है कि इसमें पोस्टल असिस्टेंट जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो है उसका कितना सीट रहता है, उसका कितना सीट किस लिहाज से उसको सेट किया जाता है, उसी से पता चलेगा कि वैकेंसी में कितना चार में, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो सीजीएल वाले होते हैं वो टैक्स असिस्टेंट जो मतलब सॉरी वो जो पोस्टल असिस्टेंट वगैरह वो ज़्यादा ट्राई नहीं करते हैं और लास्ट बहुत सारे सीट जो है कि बची हुई भी रह जाती है। तो अब देखना है कि इस बार किस तरह से वैकेंसी का जो होता है, और आप देखेंगे तो लगभग 17,727 वैकेंसी जिस बार टेंटेटिव है, ये अप्रोक्स है, आई थिंक इट विल इंक्रीज। और लास्ट टाइम में जब वैकेंसी रिपोर्टिंग होता है जो वैकेंसी डिपार्टमेंट वगैरह देती, हो सकता है लास्ट मोमेंट में ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है और थोड़ी बहुत कभी कभी कमी भी हो जाती है, ऐसा नहीं कि बढ़ता ही है, कभी कभी इसमें थोड़ी कमी भी आ जाती है। तो अच्छी वैकेंसी है और अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर इसमें आप चूक जाते हैं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एज जो है कि आपका फिर से दिया गया है 1 अगस्त 2024 से इसको डिटरमाइन किया जाएगा। और एज यूजुअल जिस तरह से आपको पता है रिलैक्सेशन वगैरह सब कुछ एज यूजुअल होता है, किसमें कितना है, एससी एसटी में 5 साल, ओबीसी 3 साल, एज यूजुअल जो है जो मुख्यतः होती हैं जो चली आई है वही सारी चीज़ें हैं, और पूरा एडवर्टीजमेंट आपके सामने है, इसमें सब कुछ आप इसको देख सकते हैं। एक बार ज़रूर एडवर्टीजमेंट को भी पढ़ लिया कीजिए, कभी कभी कुछ कुछ चेंजेस हैं, क्या होता है नहीं होता है, ये सारा चीज़ आपको देखना है। और एक बहुत ही मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं इस बार एसएससी की तरफ से आया है, और अच्छी खासी सीट इसको कह सकते हैं, ये कोई कम सीट नहीं है, अच्छा खासा सीट है, और समय आपके पास 2 महीने का है, और इसी समय के अंदर आपको जो है कि आपको प्रिपेयर हो जाना है और फाइनली जो सितंबर से अक्टूबर के बीच एग्ज़ाम होनी है उसके लिए भी डेट लगभग अनाउंस कर दिया गया था एग्ज़ाम कैलेंडर में ही। और बहुत अच्छी खबर और बहुत अच्छी वैकेंसी आप लोग के बीच है, और चलिए अभी से प्रिपरेशन को शुरू कीजिए, और आई होप कि जिन लोगों का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा तो एग्ज़ाम भी उनका डेफिनेटली अच्छा जाएगा। तो चलिए, एक अच्छी खबर के साथ हम आपको अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।